जम्मू कश्मीर में कोई भी सड़क हादसा जो है ना पेश आए, और आज भी एक चिनाब वैली में देर शाम को एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें दो लोगों की मृत्यु होगी और तीन जो है इस सड़क हादसे में इंजर्ड हुए। और अनफॉर्चुनेटली इसमें बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही एक ब्राइड का वलीमा हुआ था और आज जो है उस दुल्हन की मृत्यु हो गई है। पूरी जानकारी के लिए हमारे सीनियर साथी वसीम गट्टू इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वसीम, आपसे ही जानना चाहूंगी आखिर ये सड़क हादसा हुआ कैसे और क्या कुछ जानकारी थी सड़क हादसा के हवाले से। बिल्कुल नसीम, देखिए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, हमारा ये जो दूर दराज का इलाका है, हिली एरिया माना जाता है, तो बैक टू बैक यहाँ सड़क हादसे हो रहे हैं। बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, जिस तरह से आज फिर से एक सड़क हादसा जो सामने निकल के आया, ये दूर दराज का इलाका है, आलूगाद का एरिया है। आलूगाद से गाड़ी जा रही थी बोंसवा के इलाके में। दरअसल ये कल शादी हुई थी, कल ये शादी खत्म हुई थी, आज ये लड़की अपने मायके की तरफ जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो एक बड़ी खाई में ये गाड़ी चले गई। अल्टो गाड़ी है, JK06A0705 नंबर सामने निकल गया है। तो बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बैक टू बैक जहां पे सड़क हादसे होते हैं, और लोगों की तरफ से आज कई सारे इल्जाम भी लगाए गए, जहां पे ये दुल्हन अपने मायके की तरफ जा रही थी, कई सारे सपने शादी के बाद इंसान के होते हैं, और कल इसकी डोली निकलती, आज इसका जनाजा इसके घर की तरफ लिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है जहां पे सड़क हादसों की हम बात करें। देखिए, इससे पहले एक दिन पहले आपने देखा था बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे 244 पे जब सड़क हादसा हुआ था, तो हमारी टीम सबसे पहले वहां पे पहुंची थी, हमने देखा था कि ये सड़क हादसा हुआ कैसे। आप देखेंगे एक तरफ से अगर नेशनल हाईवे 244 का काम लगा है तो क्रैश बैरिकेड्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रैश बैरिकेड्स उस रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं है, कई सारी जगहों पे दिखलावे के लिए क्रैश बैरिकेड्स लगाए, जो आज आम जनता ने ये चीज भी मेंशन की कि क्रैश बैरिकेड्स लगाना सिर्फ डिस्प्ले का काम नहीं करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। वही आज लोगों ने बताया जो उस रास्ते की कंडीशन भी वही है, ब्लैक टॉपिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्रैश बैरिकेड्स लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर करने की काफी ज्यादा जरूरत है। इस गाड़ी में लगभग 5 लोग सवार थे, तीन लोग हैं वो इंजर्ड है, दो लोगों की ऑन स्पॉट इसमें मौत हुई है, एक दुल्हन और दुल्हन के साथ सिस्टर उसकी थी, उसकी भी ऑन स्पॉट मौत हुई है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुख में लोग काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं, और साथ साथ गुस्सा भी लोगों में है। गुस्सा इसलिए कि LG एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों ने पहले भी उम्मीदें रखी हैं और आज भी लोग उम्मीद रख रहे हैं कि अगर पहले क्रैश बैरिकेड्स लगवाए गए थे तो आज फिर से क्रैश बैरिकेड्स लगाने की काफी ज्यादा जरूरत है। और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो दावे जमीनी सतह पे कर रहा है, वो जमीनी सतह पे दावे बहुत कम है, बैक टू बैक उनकी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, तो मुझे लगता है इस खबर के बाद जहां पे सड़क हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसों के साथ साथ लोग परेशान भी काफी ज्यादा। जसलीन, बैक टू बैक जहां एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद हम देख रहे हैं कि सड़क हादसे, लोग गाड़ियों में चलने से अब डर रहे हैं। देखिए, परेशानी लोगों में काफी ज्यादा है कि चिनाब खिता एक्सीडेंट के हवाले से हम बात करें तो मशहूर अब हो चुका है, तो मुझे लगता है इस पे ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। पहले भी यहाँ पे हमने देखा कि ऐसी कुछ टीमें बनाई जो पूरा देखें कि सड़क हादसे होते कैसे, पर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है कि उस पे काम कहाँ पहुंचा, कहाँ तक वो जानकारी ली गई इनसे, क्या ये काम इम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें हो रही है जमीनी सतह पे, क्या लोगों को जो भरोसा दिया जा रहा है वो खाली दिखलावे के लिए है कि जमीनी सतह पे भी काम किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस खबर के बाद चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाकी जो सारे लोग हों, वो इस पे ध्यान देंगे ताकि यहाँ पे जो सड़क हादसे आने वाले टाइम में फिर से ना हो। जी बिल्कुल। और वसीम, अगर बात करें बाकी जो तीन लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं, फिलहाल उनकी किस तरह की स्थिति बनी हुई, कैसे पर कोई जानकारी सामने आई? बिल्कुल, जैसे देखिए अभी हमारी जो बात हुई इसमें तो दो लोग हैं फिलहाल, उनको बताओ उनकी नाजुक तबीयत है क्योंकि हेड इंजरी थी। तीन लोग अभी मेडिकल कॉलेज में है, मुझे लगता है उनको एक को शिफ्ट किया जा सकता है यहाँ से, अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। जो दो लोग हैं फिलहाल उनकी बॉडीज को लगभग अभी तक घर पहुंचा दिया गया होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ ही वसीम गट्टू उस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे, और जिस तरह उन्होंने भी बताया कि एक दिन पहले ही अगर बात करें तो इस दुल्हन का वलीमा होता है, डोली निकलती है, और आज जिस तरह से उसका जनाजा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह पर फिलहाल बताया जा रहा है कि इसमें दूल्हे की बात करें तो फिलहाल उसकी भी जो है स्थिति इसी तरह से बनी हुई है, पर इसमें तीन लोग जो हैं इंजर्ड हुए हैं और दो जो कि एक दुल्हन और उसकी बहन बताई जा रही है जिसकी ऑन द स्पॉट ही मृत्यु होगी। फिलहाल इनकी पहचान की बात करें तो मेहरून निसा बताई जा रही है जिनकी 25 साल उम्र थी, और उनकी सिस्टर बरीरा बानू बताई जा रही है जिनकी उम्र महज 18 साल थी, और ये दोनों ही जो है नाली भुंचुआ के रहने वाले थे, और फिलहाल
पांच लोग जो है इस अल्टो गाड़ी में सवार थे, जिसमें दो की ऑन द स्पॉट ही बताया जा रहा है मृत्यु हो गई है और तीन लोग जो हैं इसमें घायल हुए। और फिलहाल ये अल्टो गाड़ी थी जो बताई जा रही है। और जिस तरह से वसीम ने भी बताया कि आए दिन चुनाव रैली की बात करें तो इस तरह के सड़क हादसे पेश आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सड़कें खराब हैं उनकी भी एक वजह रहती है। और जिस तरह से बैरिकेड्स की भी बात की, उनकी भी बात की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी सुधार लाने की जरूरत है, जिस वजह से लोगों की इन खामियों की वजह से जान जो है वो यहां पर जा रही है। तो बहुत ही एक दुखद वाक्य ये पेश आया। फिलहाल दोनों वुमेन की बात करें तो एक दुल्हन थी न्यूलीवेड और एक जो है उसकी बहन थी, और दोनों की ही जो है दर्दनाक मृत्यु जो है सड़क हादसे में हुई है। फिलहाल इंजर्ड की बात करें तो फिलहाल उनका ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, आप देखते रहे चेकिंग न्यूज पॉइंट।